दोस्तों, मैं हूँ आयशा, NSS वॉलंटियर। तो कल हमारे कॉलेज में होने वाला है एनुअल स्पोर्ट्स, तो इसीलिए आज चल रहा है हमारे कॉलेज ग्राउंड में सारी तैयारी। तो हमारे NSS और NCC की पूरी टीम मिल करके आज हमारे कॉलेज के ग्राउंड में तैयारियाँ कर रहे हैं। हमारे सर भी हैं, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये हमारे कॉलेज बिल्डिंग का बैक साइड है और ये है हमारा ये पूरा ग्राउंड जो बहुत बड़ा है, जो मैंने भी आज ही देखा, इससे पहले मैंने भी नहीं देखा था। ये है हमारा कॉलेज का पूरा ग्राउंड जो यहाँ से, और ये हमारा सारे NSS और NCC के जो मेंबर्स है, वॉलंटियर्स है, सब है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ हमारे जो NSS और NCC के जो ऑफिसर्स हैं वो भी हैं। ये जो दूर से दिख रहे हैं, ये है हमारे NCC के सर राजू सर, ये है हमारे संजय सर जो सबको गाइड कर रहे हैं, सबको सिर्फ कचरा उठाने के लिए बोल रहे हैं तब से। बाइक हमारे फिजिकल एडुकेशन के सर, उनको हम कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं। सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप? प्रथमे श्री अग्रसेन महाविद्यालय पक्ष से सबाई के आंतरिक शुभेच्छा धन्यवाद। আমাদের কলেজে বিগত দু বছর ধরে করোনার জন্য স্পোর্টস হয়নি, এবছর আশা করে একটু অন্য ধরনের এবং সুন্দর করে করার চেষ্টা করছি। আজ থেকে ভালো স্পোর্টস এবং অ্যাথলিটদের নিয়ে আমরা ডিস্ট্রিক্টে যেতে পারি, সেই আশা এবং সেই বার্তা রাখি। এবং সবাইকে নিমন্ত্রণ থাকলো যেন আমাদের স্পোর্টসে এসে উপভোগ করুন, এটাই আমার মূল বলার উদ্দেশ্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। সঞ্জয় স্যারকে বলবো কিছু বলার জন্য, স্যার প্লিজ। আমি তো চাই স্পোর্টস যে এনার্জি স্টুডেন্টের মধ্যে এনার্জি থাকা উচিত, কারণ স্পোর্টস আমাদের মেন্টালিটি চেঞ্জ করে, আমাদের সম্পূর্ণ যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটাকে পরিবর্তন করতে পারে স্পোর্টসের মাধ্যমে আমরা করতে পারি। সেই জন্য আমি সমস্ত স্টুডেন্টকে বলবো, তোমরা কিছু না কোনো না কোনো ইভেন্টে পার্টিসিপেট করতে পারো, তাহলে দেখবে তোমাদের মধ্যে একটা লাইফে চেঞ্জ আসতে পারে। এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের কলেজের সমস্ত স্টুডেন্ট কালকে তোমরা সকলে অংশগ্রহণ করবে, কালকের দিনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে। অনেক 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 ধন্যবাদ স্যার। এবার আমাদের ইহা ये जो सारे वॉलंटियर्स है सब कचरा साफ कर रहे हैं, सॉरी पत्थर उठा रहे हैं। सर बोलवे ना कुछ, हाँ ये हम इनसे बोलेंगे, कुछ बोलिए प्लीज स्पोर्ट्स के बारे में। ये भैया पत्थर साफ कर रहे थे तब से, बहुत बहुत मेहनत से पत्थर साफ कर रहे हैं ताकि कल हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भैया कुछ बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे सभी छात्र छात्राओं को और मेरे सभी मित्रों को, अच्छे से काम करें और यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन लोगों के लिए ये साफ करें, क्योंकि हम ही लोग कल होकर के इस ग्राउंड में दौड़ेंगे और दौड़ करके अव्वल या सेकंड होने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर भी अब जाएंगे राजू सर के पास फिर से उनसे पूछने के लिए कि वो दो शब्द बोले, एटलीस्ट दो शब्द तो बोल सकते, क्योंकि वो NCC के ऑफिसर है, उनको हम बोलेंगे। सर प्लीज सर, दो शब्द, दो शब्द सर, दो शब्द बोलो, क्या बोलना है सर? ये स्पोर्ट्स के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, आपसे सुने भी है, बहुत मोटिवेट भी हुए हैं, दो शब्द। हाँ, कल श्री अग्रसेन महाविद्यालय डालखोला का एनुअल स्पोर्ट्स है। जिस तरह से मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और फिजिकली एक्टिविटीज करते रहना चाहिए, उसी के उपलक्ष्य में, उसी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए विद्यालय डालखोला कल एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन कर रहा है। डालखोला के समस्त छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो कल आएं और बढ़ चढ़कर इस एनुअल स्पोर्ट्स में और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चले जाएंगे उन वॉलंटियर्स के पास जो ग्राउंड की मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं ग्राउंड को, जो इस धूप में, कड़ी धूप में भी मेहनत कर रहे हैं कल के लिए। सिर्फ इनकी हिम्मतों को दाद देना चाहिए। ये है हमारे NSS वॉलंटियर्स जो बड़ी मेहनती से है वीडियो एकदम प्राउडली, ये जो हमारे NSS के वॉलंटियर्स है वो काम कर रहे हैं, सब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और वो उधर उन लोगों से फिर पत्थर चुनाया जा रहा है ताकि पूरा ग्राउंड साफ हो जाए। ये हमारी NCC की वॉलंटियर्स है जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से काम कर लिया, ये यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अब आते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही हमारा कॉलेज से रिलेटेड ये सारे ब्लॉग्स को, ये सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।